अपना मोहरम भाई का मुस्लिम बस पर से उसको अपना मोहरम में इंशा अल्लाह। अच्छा जब तुम्हारा मरण था दिल तो मत देखो मेरे अल्लाह पास है इस बगैर हुसैन का सर जाए तमाम दिन की आपकी ये अदादारी है मातमदारी है और यार उन्होंने तो मान के लो यार बंद कर दे नू वो जाके उन्हें कह के बंद कर राड दे आप तशरीफ रखे सारा दिन आपने आजादारी की है मातमदारी की है में शिरकत की है और आज का स्वागत का दिन है। मैं तमाश करता हूँ जनाब प्रोफेसर मलिक अमीर सैन से दुआ करेंगे आप लोगों के लिए। मैं मलिक साहब मैं जय जी तशरीफ रखे दुआ हर इबादत के बाद दुआ है और ये दुआ जरूर करके जाए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज़ादारान हुसैन अपने हाथ दुआ के लिए बुलंद रखे हूँ कबूलियत का वक्त है करबला की शाम गरीबा का वक्त है। एक ही लफ्ज आप तक पहुंचाना है जंग हो गई तो लुट पै गई और मैंने एक आलम दीन की जबानी एक फिक्रा सुना था मैं आपकी नज़र करके दुआ की चंद अल्फाज कहते हैं। सवाल हुआ था कि जब खैमे लूट लिए थे इस वक्त शामिल रही कि जब खैमे लूट लिए थे तो फिर इतने कीमती खैमे थे हुसैन के फिर जलाए क्यों। सवाल 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 था जब लूट लिए थे
तो जलाल का मुझे इज्जत है मोहम्मद अरबी कसम वाले भी फरमा रहे थे, इतना पर्दा प्यारा था ना अली की बेटी को कि किसी सूरत में अली की बेटी ने खैमा से बाहर आना गवारा ना किया, तो मजबूरन एक ही रास्ता था, जालिम ने कहा खैमे जला दो और औलाद बतूल को कैदी बना लो। अब ये अजीब मंजर था, यही वक्त था करबला का, एक जलते हुए खैमे के दरवाजे पर अली की बेटी खड़ी थी, कभी एक कदम आगे बढ़ाती फिर कदम पीछे हटाती। हमीद इब्ने मुस्लिम रावी है, मैंने करीब जाके पर्दा बना के कहा पर्दादार तुझे अपने पर्दे का वास्ता, तुझे अपने हया का वास्ता, तुझे अपने खानदान का वास्ता, बीबी जितनी कीमती चीज है, जितनी कीमती दौलत है बीबी छोड़ दे जल जाएगी। कहते मैं मर जाता बीबी का जवाब न सुनता, रो के कहने लगी शेख अगर मेरा कीमती सामान होता छोड़ देती, अगर मेरा कीमती जायदाद होती छोड़ देती, अगर मेरे जरो जवाहरात होते छोड़ देते, तुझे लमड़ी जलते खैमे में मेरे हुसैन की दस्तार का वारिस, मेरे हुसैन की दस्तार का वारिस है। मैंने कहा बीबी फिर मुझे इजाजत दे, मैं तेरे बेटे को बचा लूँ, मैं तेरे बेटे को उठा लूं। पीछे हटी और कहा अगर एहसान करते हैं ना तो मोहम्मद की नवासी तेरी जन्नत की जामिन, अगर एहसान करते हैं तो अली की बेटी तेरी जन्नत की जामिन है। हमीद कहता मैंने मर्द होकर बड़ी भरपूर कोशिश की, लेकिन जब आग ने मुझे न जाने दिया ना तो मैं मजबूर होकर पीछे हटा और मैंने कहा बीबी तेरी इज्जत की कसम आपके शोले इतने बुलंद हैं, आपके शोले इतने बुलंद हैं कि मुझे आगे नहीं देते, अब मुझे जो ना पीछे हटकर देकर खुद आगे भी बढ़ी और कहा तू हट जा तेरा लगता जो कुछ नहीं, हट जा तेरा रिश्ता जो कुछ नहीं। और कहता मैं हैरान हुआ सीधे कद के साथ खैमा में दाखिल हुई, यही वक्त था जलते हुए खैमा में दाखिल हुई, मैं सोच रहा था कि बीबी जल जाएगी कि थोड़ी देर में धुएं के बादल फटे, और मैंने देखा जो कयाम में गई थी वो हालत रकू में थी, पुश्त पे एक जवान था, कभी मैदान करबला की तरफ देखकर कभी नहरे फुरात की तरफ देखकर कह रही थी हुसैन अकबर उठाना आसान है, अकबर उठाना आसान है, जलते खैमों से सज्जाद बचाना मुश्किल, मालिक तुझे इस पर्दादार का वास्ता, अल्लाह तुझे करबला की बेसहारा से आजादियों का वास्ता, मेरा कमाना मार वाले तुझे करबला के बेकस शहीदों का वास्ता, अल्लाह तुझे अब्बास अलमदार के जख्मी बाजुओं का वास्ता, अल्लाह तुझे अजनबे अली अकबर के जख्मी सीने का वास्ता, अल्लाह तुझे शहजादा असगर की मासूमाना मजलूमाना शहादत का वास्ता। और मालिक जितने आजादार मातमदार इस दरबार पाक में हाजिर हैं इज्जत बतूल का वास्ता मालिक इनकी आजादारी कबूल फरमा, करीब अल्लाह इनकी सारे दिन की बल्कि 10 दिन की ये मातमदारी कबूल फरमा। मालिक तुझे अपनी इज्जत और जलालत का वास्ता, तुझे अपनी किबरियाई का वास्ता, इनमें से जो जो किसी तकलीफ में मुबतला है पाक सैयद कौनैन के जख्मी पहलू का वास्ता, मालिक उसे सेहत याब फरमा। मालिक जो बीमार है बीमार करबला का सदका, करबला के गरीब बीमार इमाम का सदका, मालिक जो जो मोमिन जहाँ जहाँ बीमार हैं अली व बतूल को खालिक उन्हें सेहत कामला हो अजला अता फरमा। एक एक फर्द का नाम लिया जाए तो शायद वक्त नहीं रहेगा, इसलिए दानिता है राज खफी व जली है मेरा अल्लाह दिलों के राज बेहतर जानता है, अपने अपने दिल में अपनी नेक दुआएं रखें और आमीन कहते चले। मालिक हर बीमार को शिफा अता फरमा, हर बीमार मोमिन को शिफा अता फरमा। अली व बतूल का खालिक तुझे वास्ता जनाब शहजादा अली असगर की मजलूमियत का, तुझे वास्ता शहजादा अली असगर की मजलूमियत का, बाबा के हाथों पे तीर का निशाना बनने वाला शहजादा यही वक्त था जब लोके नेजा पे सवार थे, अल्लाह उस मजलूम का वास्ता जिस जिस मोमिन की गोद खाली, जो मोमिन औलाद नरीना की ख्वाहिश मंद है इज्जत बतूल का वास्ता वाले उन्हें उमर दराजी वाले बख्त इकबाल वाले आजादार हुसैन बेटे अता फरमा, उन्हें आजादार बेटे अता फरमा। करीम अल्लाह तुझे वास्ता सैयद कौनैन की इज्जत का, मालिक जो मोमिन तंगदस्त है
मालिक उनकी तंदुरुस्ती दूर फरमा। अल्लाह मेरे जितने जवान बेटे मालिक बेरोजगार हैं, करीम अल्लाह तुझे करबला के सुल्तान की सखावत का वास्ता, उन्हें बाइज्जत रोजगार और मुलाजमत अता फरमा। अल्लाह जो जो मोमिन जो कारोबार कर रहे हैं, जो मुलाजमत कर रहे हैं, मालिक उससे मुलाजमत और कारोबार में तरक्की अता फरमा। इलाही तुझे इज्जत बतून का वास्ता, मिल्लत जाफरिया के बेगुनाह कैदियों की कैद रिहा फरमा। मालिक तुझे बाबुल हवाए जनाब मूसा कासिम की मसाइब मुश्किल का वास्ता, जो जो मोमिन जहाँ जहाँ किसी तकलीफ में मुब्तला है, मालिक आसानी पैदा फरमा, आसानी पैदा फरमा। मालिक जितने मातमदार जितने नवाखान इलाका भर के मालिक इस मिशन पाक में अपना हिस्सा अदा करते रहे और कर रहे हैं, मालिक उनकी आज़ादारी कबूल फरमा। मकामी बातमी दस्ता उलमा ने मुसाफिर शाम उलमा ने असीर शाम को मालिक उनके सालार से शफ्त शाह साहब की सरबराही में मालिक ज़्यादा इज्जत अता फरमा, ज़्यादा आज़ादारी मजलूम करबला का शौक अता फरमा, और हम सबको सीरत मोहम्मद वाले मोहम्मद का पैरोकार बना। करीम अल्लाह हमारी माँ बहनों के बेटियों के पर्दे सलामत रखी। मालिक तमाम मोमिन की चादर और चार दीवारी का तहफ़ फरमा। वैसे तो असल बानी तो इमाम ज़माना है, हम सब उसके नौकर हैं। मालिक एनाज सैयद साहबान सैयद सगीर हुसैन शाह साहब सैयद अहसन शाह साहब सैयद अली मेदी शाह साहब और मेरे बिरादर बुजुर्ग मलिक जवार नजर हुसैन कालू हाजी गजनफर अब्बास कालू और जवार मलिक मुजफ्फर हुसैन कालू, मालिक इन्होंने आज़ादारी का अहतमाम किया, ज़ाकरीन का इंतज़ाम किया। मालिक इनके जितने खर्च अखराजात हैं, जो लंगर न्याज पे खर्च हुआ है, जो इंतजाम पे खर्च हुआ है, तुझे सैयद कौनैन का वास्ता, तुझे जनाब सैयद खदीजतुल कुबरा की उस दौलत का वास्ता जो इस्लाम पे सर्फ हो गई, मालिक इनकी ड्यूटी कबूल फरमा। मालिक इनके रिज़्क़ हलाल में मजीद वुसअत अता फरमा। करीम अल्लाह इनके बच्चों की उम्र दराज फरमा। करीम अल्लाह तुझे इज्जत सैयद का वास्ता, जितने आज़ादार मोमिनीन मोमिनात इस दार फानी से कूच कर गए हैं, करीम अल्लाह उन्हें अपने जवान रहमत में जगाता था। अल्लाह मरहूमीन के दर्जा मालिक कायनात सैयद सगीर शाह साहब के बारे में उन्होंने कहा है कि सेहत ठीक नहीं रहती, जनाब हबीब इब्ने मज़ाहिर का वास्ता, मालिक इन्हें सेहत कामला और आजला अता फरमा। पीरबन शाह साहब बीमार है, हाजी इकबाल कालू बीमार है, भाई साजिद हसन बीमार है, दो चार और मोमिनीन ने मुझे सैयद इख्तियार जाफरी साहब बीमार है, मालिक इसके अलावा जितने सैयदादी के बारे में कह रहे हैं बीमार है, मालिक कहना तो जिस मोमिन ने जहाँ जहाँ मेरे जिम्मे जो दुआ लगाई है, इज्जत बतूल का खालिक उन्हें सेहत याबी फरमा, उनकी दुआ कबूल फरमा। करीम अल्लाह एक और खातून के लिए मस्तूर के लिए मुझे अजीज नवीद ने कहा था, और मालिक नजर हुसैन मोहम्मद की भांजी बीमार है, मालिक इन समय तमाम मोमिनीन के घर में खैर बरकत और सेहत अता फरमा। मालिक सैयद शफकत शाह साहब समय जुमला बे औलादों को औलाद नगीना अता अब्बास रजा शाह साहब को बारे कर रहा था अता फरमा, और हमारे जितने मोमिनीन बेघर है, अच्छा जितने मोमिनीन जितने मोमिनीन बेघर हैं, मालिक इज्जत सैयदा का वास्ता, पैदन पा के घराने के वास्ता, अजीज लियाकत समय सबको अपना घर अता फरमा, सबको अपनी छत अता फरमा। आज़ादारी हुसैन के लिए मैंने गुजारिश की, जितने मोमिनीन मोमिनात सादात इस दुनिया से चले गए हैं, सैयद शाहिद शाह साहब इस वक्त हमारे दरबार मौजूद नहीं है, बाकी जितने आज़ादार पिछले साल थे और आज हमें नहीं है, पता नहीं अगले साल कौन होगा, जो होगा वो मजलूम को रोएगा। अली और बतूल का खालिक सब की बख्शिश फरमा। मेरे अजीज वसीम की दरख्वास्त थी कि उनके वालदैन की मफ़रत फरमा। अल्लाह हम सब पे रहम फरमा, और जिस जिस मोमिन ने आज़ादार ने थईम बिरादरी कारलू भट्टी और जितने भी श्याल खोखर जितनी बिरादरियाँ यहाँ रहती हैं, न्याजी बिरादरान मालिक कहना जिन्होंने और राना बिरादरान जिन्होंने आज़ादारी मजलूम करबला में सबील और न्याज का इंतज़ाम किया है, मालिक उनकी न्याज दरबार हुसैनी में कबूल और मंजूर, सब की न्याजें अपने दरबार में कबूल फरमा। करीम अल्लाह पाकिस्तान की मुआफ़त फरमा। अल्लाह इज़्ज़त बतूल का वास्ता पाकिस्तान को इस्तेकाम अता फरमा। अल्लाह आलम इस्लाम को इत्तफाक व इत्तेहाद अता फरमा।
अल्लाह अपनी इज्जत और जलालत का वास्ता हमारे कायनात हज ज़ियारत के रस्ते आसान फरमा और तमाम मोमिनीन को आइंदा मुहर्रम से पहले हज ज़ियारत की सआदत नसीब फरमा। अल्लाह कश्मीर और फलस्तीन के मज़लूम मुसलमानों की मदद फरमा, आज़ादी अता फरमा। यमन, इराक, बहरीन, शाम, जितने मोमिनीन तकलीफ में ईरान में मुबतला है, मालिक सबको अमन व सुकून अता फरमा। इलाही दस्त और हर मकाम पर जुलूस पर भी पुलिस के अफराद ने मालिक कायनात इज्जत बतूल का सदका आज़ादारों की मुहाफ़त की। सख्त धूप में, गर्मी में, मौसम की तंगी से बेनियाज होकर उन्होंने ये ड्यूटी सर अंजाम दी है। इलाही पुलिस के तमाम अफसरान और तमाम अफराद की ये ड्यूटी सिपाह करबला का सदका महफूज व मामून फरमा, मकबूल व महफूज फरमा और उन्हें हर दुख से, हर तकलीफ से महफूज फरमा। मालिक उन्हें तरक्की अता फरमा, उन्हें इज्जत अता फरमा और जितने महकमे हैं जिन्होंने आज़ादारी मजलूम करबला में तावन किए, मालिक सबको इज्जत और तरक्की अता फरमा। करीम अल्लाह तमाम मोमिनीन के बच्चों पर, घरों पर रहमत व बरकत नाज़िल फरमा और सिवाय हमें हुसैन के हर गम से अमान व नजात अता फरमा। अल्लाह तुझे इज्जत बतूल का वास्ता, अल्लाह तुझे इज्जत सैयदा का वास्ता। ये दुआ मैं हर मजलिस में और जब भी दुआ का मौका मिलता है मैं कहता हूँ, हर लम्हे ये दुआ करनी चाहिए और सारे आमीन कहना। मालिक हमें ज़ाती लालच नहीं, हमें ज़ाती गर्ज़ो गायत नहीं, सिर्फ एक ही नीयत है मालिक तुझे इज्जत बतूल पाक का वास्ता। हमें रोज़े आशूर के एंड साल इस वक्त तक आज़ादारी मजलूम करबला के लिए ज़िंदगी अता फरमा, आज़ादारी मजलूम करबला के लिए मोहलत अता फरमा, आज़ादारी मजलूम करबला का मौका अता फरमा। 77 चक के जितने आज़ादा बिलखसूस सी जयेश साहब की सरबराही में इस मकाम पे हर साल आज़ादारी मजलूम करबला में बहुत बड़ा हिस्सा अदा करते हैं, मालिक उन तमाम आज़ादारों की आज़ादारी कबूल फरमा। उनमें जवेद शाह साहब, इरशाद साहब बीमार हैं, बीमार करबला का सब तमाला उन्हें सेहत याब फरमा। राना अशफाक साहब की वालदा बीमार हैं, राना जाहिद और राना शाहिद बीमार हैं, मालिक कायनात इज्जत सैयद का वास्ता उन सबको सेहत याब फरमा। इकरार शाह साहब, 77 चक के आज़ादार सैयद इस साल हमें मौजूद नहीं, मालिक उन्हें अपनी जवान रहमत अता फरमा। डॉक्टर एजाज शेख, मालिक आज़ादारी हुसैन में अपना हिस्सा मिलाते हैं, उन्हें औलाद नदीना अता फरमा। जितने जितने आज़ादारों ने जजीर जनी की है, मालिक कहना तुझे सैयद के जख्मी पहलू का वास्ता, मालिक उन्हें इसका अजर अता फरमा। डॉक्टर काशिफ साहब के बेटे की उम्र दराज फरमा। बाकी जितने मोमिनीन के दिल में जो जो नेक ख्वाहिश है, मैं सबके लिए दुआ गो हूँ, सबके लिए मेरी इल्तजा है, मालिक जिस जिस दिल में जो नेक तमन्ना है इज्जत सैयदा का वास्ता पूरी करो। शहनशाह साहब के बेटों के बारे में शाह साहब दरख्वास्त कर रहे हैं कि मालिक कोरी को मरदराज जैन, हैदर, शबर और आसिफ थी, इजाज थी और जितने दूसरे मोमिनी बे औलाद हैं, आमिर कालू, मुनीर कालू, मालिक सबको औलाद नरी नाता। अल्लाह इज्जत बतूल का वास्ता, मैं गुनाहगार हूँ, मैं तेरे पाक आशिफ हुसैन के आज़ादारों के लिए फकत दुआ के कलमात ही कह सकता हूँ, इज्जत बतूल का वास्ता इन्हें तू अजर अता फरमा, अपने खजाने गैब से इतना अजर अता फरमा और वो सब कुछ अता फरमा जो इन आज़ादारों के लिए बेहतर है। आप मेरे लिए दुआ कर, मैं आपके लिए दुआ करूँ कि मालिक कायनात आपको कदम कदम पे बरकत और रहमत से नवाजे। मालिक सिवाय हमें हुसैन के, अली बतूल का माबूद और मसूद अल्लाह, सिवाय गमे हुसैन के आपको हर हम से माबूद, आपके पर्दों की मुआफ़त फरमाए, आपकी चादर और चार दीवारी की मुआफ़त फरमाए। मालिक उस मजलूमा बीबी का वास्ता, मैंने अपनी गुफ्तगू में पहले भी कहा था और अब चूँकि वही वक्त है कि सारा दिन मजलूम करबला लाशें उठाता रहा, आंसू की खैरात में आखिरी आमीन कहना, सारा दिन अली का बेटा लाश उठाता रहा लेकिन गरीब करबला की लाश उठाने वाला कोई नहीं था।
काबिल अगर होती ना, सिर्फ ये एक लाश नहीं, ये तो कई हिस्सों में तकसीम थी ना, कई हिस्सों में तकसीम थी ना। और मैं कहता हूँ खुदा की कसम, जनाब अब्बास अलमदार आम जाकरी के मुंह से बात ये निकलती है ना कि इसलिए मौला जनाब अब्बास अलमदार की लाश नहीं ले कि मौला ने कहा था मुझे बीबी से शर्म आती कि मैं पानी नहीं ला सका। लेकिन जो इसके अलावा उलमा ने मैंने किबला शिफा नजवी की जबानी सुना था कि जब अली का लाल घोड़े से गिरा ना, जब अली का शेर बिन बेटा घोड़े से गिरा ना, तो लश्कर शाम में एक ऐलान हुआ था कि जिस जिसने अली से बदला लेना है, जिस जिसने अली से बदला लेना है ना, आज दुनिया में अली मौजूद नहीं है, अली का हम शक्ल बेटा मौजूद है। फरमाया थे मुझे इज्जत खालिक की कसम, फिर कूफा और शाम की कोई तलवार ऐसी न थी जिसने अब्बास के जिस्म का बोसा न लिया हो, अब्बास की लाश टुकड़े टुकड़े हो गई। यही वजह थी कि मेरे मौला अगर सर की तरफ से उठाते थे तो पांव से नहीं संभल सकती थी, पांव से उठाते थे तो सर से नहीं संभल सकती थी। बस बेआस होकर हुसैन मजलूम करबला उठे और कहा, अब्बास तेरी बहनों के पर्दे का अल्लाह, अल्लाह इस शहीद का वास्ता हमारी तमाम दुआओं को इन आजादारों के हक में शर्फ कबूलियत अता फरमा। मालिक इन आजादारों को आबाद और शाद रख, अल्लाह इन आजादारों को आबाद और शाद रख। इज्जत बतूल का वास्ता वारिस खून हुसैन, वारिस खून शहीदान हुसैन। अच्छा, इमाम बारगाह हुसैनिया से लेकर पूरे पाकिस्तान बल्कि दुनिया में जहां जहां भी अजाए मजलूम करबला हो रही है, मालिक सबको आबादी अता फरमा। बिलखसूस आस्ताना हुसैनिया इमाम बारगाह हुसैनिया पीरवाल को मालिक कहना ज्यादा तरक्की अता फरमा, ज्यादा इज्जत अता फरमा। अंजुमन करा की और दीगर सारे मोमिनीन को मालिक कहना इसकी तरक्की आबादी के लिए कोशिश करने की तौफीक अता फरमा। इलाही वारिस खून शहीदा ने करबला इमाम मुंतकब जो आज भी पर्दे गैब में खून रो रहा, अली व बतूल का खालिक मौलाए कायनात अपनी पाक हुज्जत के जहूर में ताजील फरमा, हम गुनाहगारों को इमाम की ज्यारत के काबिल बना, इमाम की ज्यारत नसीब फरमा और हमें आज़ादारी मजलूम करबला के साथ साथ मकसद व फिक्र जनाब हुसैन को भी समझने की तौफीक अता फरमा। मालिक नमाज रोज़ा और शायर दीनी की पाबंदी नसीब फरमा। मेरा हर आज़ादार मालिक उसका एक कदम हल्का मातम में हो, दूसरा कदम खाना है खुदा में, इबादत से नमाज से फारिग हो तो मातमदारी करे, मातमदारी से फारिग हो तो अल्लाह की इबादत अदा करे। खुदाया हमें ऐसे आज़ादार बना दे, ऐसा आज़ादार बना दे कि मौला हमसे राजी हो जाए, मौला हमसे खुश हो जाए। आज हम कहते हैं हम हुसैन के हुदार हैं, कल मैदान माशर में मेरा मौला कहे आने दो ये मेरा हुबदार, आने दो ये मेरा आजादार है, आने दो ये मेरा मानने वाला है। और मिलके दरबार हुसैनी में जिंदगी की मुमकिन है मेरी हाजिरी आखिरी हो और किसी आजादार की हो सकता है, तो आओ करबला के सुल्तान के दरबार में हाथ उठा के हाजिरी लगवाएं और मौला से अकीदत का इजहार भी करें, सलाम भी करें, अपनी जगह पे खड़े होकर लब्बैक लब्बैक लबैक या हुसैन, कातलाने मजलूम करबला पे बेशुमार लानत, कातलाने मजलूम करबला पे लानत, दुश्मनाने अहले बैत पे लानत, दुश्मनाने इस्लाम पे लानत। कबूलियत दुआ के लिए बावाज़े बुलंद सलावत।